हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज वसीता। मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स के में आपका हार्दिक स्वागत यहां पर, और एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूं उस चैनल पे। मेरा जो चैनल है खिलाड़ी कॉमर्स के में, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आज जो अपनी बिजनेस स्टडीज की क्लास होने वाली है उसमें नया टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए। प्रीवियस क्लास में अपन ने बिजनेस एनवायरमेंट का जो टॉपिक कंप्लीट किया था, डायमेंशंस पढ़े थे उसके, जो आपने प्रीवियस वीडियो जिन्होंने देखा होगा मेरा, जिन्होंने नहीं देखा एक बार जरूर देखें उस वीडियो को, ताकि आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे साथ साथ में। देन मैं भी जो आपको बिजनेस स्टडीज का जो ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिजनेस स्टडीज का, उसी बिजनेस एनवायरमेंट के चैप्टर में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, जिसमें अपन बात करेंगे आज फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उससे बिजनेस एनवायरमेंट में क्या चेंजेस आया, एकदम से पूरा ड्रास्टिक चेंज आया था, उस चेंजेस के बारे में अपन बात करेंगे। जो उस इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो तीन मेन फीचर्स दिए गए थे उनके बारे में बात करेंगे, की फीचर्स थे उनके बारे में बात होगी। बहुत सारे कुछ टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो आज आपको ध्यान से मुझे सुनना है, बहुत आराम से इसको सुनना है और देखना है कि कितने एग्जांपल्स वगैरह मैं आपको कोट करूंगा यहाँ पर, उनको ध्यान रखना है आपको, ताकि आपको केस स्टडी सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करते हैं, जो एनईपी 1991 में दी गई, उसका रीजन जो था उस 1991 से पहले जब बात करें तो बिजनेस की जो बात करें अगर इंडिया के अंदर, तो बिजनेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था, बहुत ज्यादा इसके अंदर कहना चाहिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत ज्यादा लॉज ऐसे थे जिनसे कि इजीली अपन ट्रेड नहीं कर पाते थे, ट्रेड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी अपने को। तो उसको उस ट्रेड को फ्री ट्रेड करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई। इस इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए, तीन मेन इसके पॉइंट लाए गए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, इसेंस बोल सकते हो, मेन फीचर्स बोल सकते हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको अपन एलपीजी के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर जिसको शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी बोला जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म अपन यहाँ पर समझ सकते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तीनों चीजें हुई। इन तीनों चीजों से कितना क्या चेंजेस आया इंडियन इकोनॉमी में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आया, उसके बारे में बात होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। अब लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या, तो सीधे सी अगर मैं सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको बताऊं लिबरलाइजेशन का मीनिंग, तो मतलब लिबरल मतलब छूट, सीधी सी बात है। जैसे अभी अपन ने बात की कि 1991 से पहले बिजनेस के अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन डाल रखे थे गवर्नमेंट ने, बहुत सारे ऐसे लॉज, जैसे लाइसेंसिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था, तो कोई भी इजीली बिजनेस ट्रेड नहीं कर पाता था, फ्रीली अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, बहुत सारी लाइसेंसिंग प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, बहुत ज्यादा उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनको फॉलो करने की वजह से, बहुत ज्यादा टैक्स रेट होने की वजह से लोग अपने साथ ट्रेड नहीं करते थे, बाहर की कंपनीज ट्रेड नहीं करना चाहती थी, बाहर की कंपनीज इंडिया में नहीं आना, तो काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। उसको इस लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंदर क्या कर दिया गया, लिबरल मतलब छूट दे दी गई, लाइसेंसिंग पॉलिसी बहुत ईजी कर दी गई, बहुत ज्यादा उसमें जो टैक्सेशन पॉलिसीज थी, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी थी, गुड्स एंड सर्विस जो इजीली आप ट्रेड कर सकते हो उस पर आपको भारी मात्रा में इसमें क्या दी गई, छूट दी गई। तो लिबरलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है अपने को, सीधी सी भाषा बोले तो छूट, मतलब फ्री कर दिया गया अपने को, आप सिंपल भाषा में समझे दो। तो इसमें क्या हुआ, क्या क्या मेन पॉइंट हुआ उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अबोलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सपेक्टेशन फ्यू, कुछ लाइसेंसिंग प्रोसेस, कुछ एक पर्टिकुलर चीजों को छोड़कर सभी में लाइसेंसिंग प्रोसेस को बहुत इजी कर दिया गया, बहुत आसानी से आप आराम से इसका लाइसेंस बना सकते थे, आसानी से अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, आसानी से आप दूसरी कंपनीज के साथ डील कर सकते हो। तो पहले ये सब चीजें नहीं थी, तो इसका क्या हुआ, लाइसेंसिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था, उसको अबोलिशन हुआ, अबोलिशन होने का मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए और उसको थोड़ा इजी कर दिया गया, जिससे कि बाहर की कंपनीज आपके यहाँ पे ट्रेड कर सके इजीली, आप बाहर की कंपनीज के साथ आप बिजनेस कर सके, उससे ये काम हुआ। फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट, पहले जो कस्टम रेट्स जो बहुत ज्यादा हुआ करते थे, इम्पोर्ट जब आप कोई भी गुड्स करते थे बाहर से या एक्सपोर्ट करते थे उस पर बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज किया जाता था, तो उसमें क्या कर दिया गया, रिलीफ दिया गया, उसको कम कर दिया गया, जिससे क्या हो गया कि अब ज्यादा से ज्यादा कंपनीज बाहर से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली आप बिजनेस कर पा रहे थे। फिर उसके बाद लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये भी अपन ने बात की। देन उसके बाद फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का फ्रीडम मूवमेंट कर दिया गया कि भाई इजीली आप बाहर की गुड्स को परचेज कर सकते हो, अपनी गुड्स को बाहर बेच सकते हो, बाहर की जो सर्विसेज है उसको आप यूज कर सकते हो, अपनी सर्विसेज बाहर प्रोवाइड कर सकते हो, दूसरी कंट्री में प्रोवाइड कर, दूसरी कंट्री के लोग आपकी सर्विसेज इजीली ले सकते हैं, ये सारी सब चीजें की गई। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अपने पहले क्या होती थी, गवर्नमेंट हर चीज में एक बीच में अपना दखल अंदाजी करती थी, बीच में हर चीज में वो बीच में डाल आ जाया करती थी कि भाई आप ये रेट चार्ज नहीं कर सकते, गुड्स की इतनी प्राइस आप नहीं डिसाइड कर सकते, तो उसमें भी आपको क्या कर दिया गया, रिलीफ दे दिया गया कि अब अपने हिसाब से अपनी गुड्स और सर्विसेज का प्राइस आप डिसाइड कर सकते थे। तो इतने सारे सब कुछ चीजें हुए जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका लिबरलाइजेशन पॉलिसी सक्सेस हुई और इजिली ट्रेड होने लगा और एक नया
एक इकोनॉमी के अंदर एक नई चीज आप बोल सकते हो, नई एक बूस्ट, एनर्जी बूस्ट हुई, जिससे कि अब ट्रेड एकदम से बढ़ गया और बिजनेस, इंडिया का बिजनेस एकदम से जो इकोनॉमी थी वो डेवलप होने लगी, इंडस्ट्रियल जो उसका ग्रोथ होने लगी, ये सब चीजें इसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। अब बात करते हैं अपन पी, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब सीधा सीधा क्या है कि पब्लिक सेक्टर का जो हैंड ओवर है प्राइवेट सेक्टर को हो गया है, मतलब पब्लिक सेक्टर को सीधा सीधा कन्वर्जन किसमें कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर में, तो उसको अपन बोल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। मतलब जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स थे उनमें से कुछ एक को छोड़कर लगभग सभी जो कंपनीज थी गवर्नमेंट की उन सबको प्राइवेट हैंड ओवर कर दिया गया, प्राइवेट लोगों को हैंड ओवर कर दिया गया। मतलब 51% स्टेक प्राइवेट सेक्टर का हो गया, और 51 स्टेक होने का मतलब पूरा का पूरा जो रूल्स है, रेगुलेशन है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट किसके हाथ में चला गया, प्राइवेट सेक्टर में। उससे चेंजेस क्या है, जब पहले गवर्नमेंट, जब आप आज भी देखते हैं कि गवर्नमेंट के जो कुछ अपन डिपार्टमेंट्स है उसमें अपन देखते हैं काम बहुत धीरे धीरे होता है, वहां के लोग काम करना नहीं चाहते हैं, जो गवर्नमेंट इम्प्लॉयज हैं वो क्या कर देखते हैं कि अब हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें हमारी जॉब मिली हुई है, हमें हमारी जॉब से कोई नहीं निकाल सकता है, इस तरीके की जो पॉलिसीज थी। उससे क्या हुआ कि पहले जब ये सब पहले भी थी ये पॉलिसीज, तो उससे क्या होता था कि लोग काम नहीं करना चाहते थे, बहुत ज्यादा आपका जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो चुकी थी, जो बहुत ज्यादा जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद होने के कगार पे आ गई। उसका रीजन क्या था, पब्लिक सेक्टर की सारी के सारी इंडस्ट्रीज बहुत सिक यूनिट हो चुकी थी, मतलब कि ये बंद होने के लॉसेस में चल रही थी, बड़ी बड़े लॉसेस में चल रही थी। उसका रीजन ये था कि वहां पे कंट्रोल नहीं था, मैनेजमेंट नहीं था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में होने की वजह से अब आसानी से, मतलब ये होता था गवर्नमेंट के हैंड ओवर काम नहीं हो पा रहा था, लोग काम नहीं कर रहे थे, तो उनको क्या कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया। तो उससे चेंजेस ये आया कि एकदम से एफिशिएंसी बढ़ गई, एकदम से कंपनी जो लॉसेस में चल रही थी वो प्रॉफिट में आ गई, क्योंकि वहां पे सीधा सा फंडा था कि काम करवाया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में आप देखते हैं कि सीधा सीधा निचोड़ आपका निकाला जाता है, उसके अंदर आपको काम करोगे तो आप वहां पे रह सकते हो, अदरवाइज आपको फायर कर दिया जाता है वहां से। तो ये पॉलिसी जब आई तो प्राइवेटाइजेशन होने से बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, देख सकते हो आप जितने भी पब्लिक सेक्टर थे उसको डिस इन्वेस्टमेंट करने का मतलब भी है कि उसमें इन्वेस्ट करना बंद हो गया, सीधा सीधा सारा का सारा है जो है था आपका 51% स्टेक किसका हो गया, पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर का हो गया। मतलब अब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसके चलने वाले थे, प्राइवेट सेक्टर के। फिर उसके बाद डिल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का स्टेक कम कर दिया गया, जो भी अपन ने बात बोली कि सभी जगह पे क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन होने का मतलब गवर्नमेंट का जो परसेंटेज था, शेयर ऑफ परसेंटेज था, वो कम करके प्राइवेट सेक्टर का बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद ट्रांसफर पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, ये भी अपन ने बात की। तो प्राइवेटाइजेशन होने से जो चेंजेस आए, वो चेंजेस ये आए कि जितने भी सिक यूनिट्स थी उनको फिर से क्या कर दिया गया, एकदम से रिफाइनेंस करके उनको वापस चलाया गया और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया गया। उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया, इफिशियंसी आ गई, लोग काम करने लगे, ये सारे सब आप देख सकते हो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स निकल के आए प्राइवेटाइजेशन के। देन अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि इकोनॉमी को, सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। मतलब ये कि जो बाहर की जो एमएनसीज है आप इजिली ट्रेड कर सकते हो, अपनी जो चीजें हैं वो बाहर बेच सकते हो, बाहर की चीजें अंदर आ सकती है, तो क्या कर दिया गया, अपनी इकोनॉमी को, मतलब अपनी चीजों को अपन बाहर अपनी शो कर सके प्लेटफॉर्म पे, बाहर की जो इकोनॉमी है उस पर अपनी चीजों को शो कर सके, ऐसा कर दिया गया ग्लोबलाइजेशन के अंदर। मतलब ट्रेड बिल्कुल फ्री कर दिया गया कि आप अपनी चीजें बाहर ले जाके आराम से सेल कर सकते हो, बाहर का जो कंपनीज है वो अपनी गुड्स आपके इंडिया के अंदर सेल कर सकती है, तो ये ग्लोबलाइजेशन हुआ। इससे क्या हुआ कि आपको टेक्नोलॉजी शेयर होने लगी कि बाहर की जापान से कोई टेक्नोलॉजी है तो आप उसको आप भी शेयर कर सकते हो। बाहर की ग्लोबलाइजेशन होने का मतलब आप अपनी टेक्नोलॉजी बाहर के लोगों को बता सकते हो, तो उससे क्या होने लगा कि एकदम से आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, क्योंकि बाहर की टेक्नोलॉजी अपन यूज करने लगे, तो उससे प्रोडक्शन, जैसे अपन बहुत सारे कोलोब्रेशन ज्वाइंट वेंचर उस टाइम पीरियड में हुए, जैसे आपका सुजुकी, मारुति, ये सारी सब बहुत सारी चीजें हुई जो बाहर के कोलोब्रेशन और ज्वाइंट वेंचर हुए उसके अंदर। तो उससे क्या क्या पॉइंट आए आप देखते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। टैरिफ स्ट्रक्चर जो था आपका, टैक्स रेट पॉलिसीज थी, लाइसेंसिंग पॉलिसीज थी, उसको इजी कर दिया गया। देन उसके बाद अबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी, आप कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करते थे तो उस पर ड्यूटी जो लगती थी उसको अबोलिश किया। पहले बहुत ज्यादा टैक्सेस चार्ज किए जाते थे, बहुत ज्यादा ड्यूटीज चार्ज की जाती थी, उसको कम कर दिया गया। उससे क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला। फिर उसके बाद अबोलिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, सीधी सी बात है कि जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी को अबोलिश किया वैसे इम्पोर्ट ड्यूटी को भी किया गया, कि इम्पोर्ट ड्यूटी बाहर से अगर आप कुछ गुड्स परचेस करते बहुत ज्यादा कस्टम चार्ज होता था तो उसको कम कर दिया गया। जिससे क्या हुआ कि बाहर की कंपनीज भी आपके साथ बिजनेस करने लगी, बाहर की कंपनी आपके इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट करने लगी, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। देन फेरा रिप्लेस बाय फेमा, फेरा का फुल फॉर्म है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फेरा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको रिप्लेस करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया।
रेगुलेशन को मैनेजमेंट से आपने रिप्लेस किया, जिसकी वजह से जो रेगुलेशन का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा जो थे उसको मैनेज करना किया गया कि अब आसानी से आप मैनेज करें, देखें कि क्या क्या चीजें हो रही है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, जो भी आप करने वाले हो, जो आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको अबॉलिश किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी को अबॉलिश किया, लाइसेंसिंग प्रोसेस को इजी कर दिया, ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन के अंदर हुई। तो एलपीजी जब आया तो इंडिया के अंदर एक इकोनॉमी के अंदर एक बड़ा बूस्ट हुआ, क्योंकि ये सब चीजें इंडस्ट्रीज जो बीमार्सिक यूनिट्स जो थी, बीमार्सिक यूनिट्स का मेरा कहने का मतलब है कि जो लॉसेस में चल रही थी बहुत बड़ी इंडस्ट्री, उन सारी इंडस्ट्रीज प्रॉफिट के अंदर आ गई, एक बार फिर से प्रोडक्शन लेवल चालू हुआ, इकोनॉमी एक बार ग्रो करने लगी, बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया में आने लगी, ये सारे सब कुछ चेंजेस हुए। अब अपन देखेंगे इम्पैक्ट चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस और इफेक्ट और ग्लोबलाइजेशन ऑफ लिबरलाइजेशन, ये जो ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन जो हुआ उसका इम्पैक्ट क्या आया उसके बारे में बात करेंगे। तो इम्पैक्ट ये हुआ, फर्स्ट पॉइंट आपका मैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन लेवल बढ़ गया। सीधी सी बात है कि अब बाहर की कंपनीज भी इंडिया के अंदर आने लगी, दो दो वो जो आपके प्रोडक्शन सेक्टर्स थे वो बढ़ गए, कंपनीज बहुत सारी हो गई, तो कंपटीशन बढ़ गया कि भाई बहुत सारे कंप्यूटर मार्केट में उतर गए, अब अपने को भी अब गुड्स देना पड़ेगा, उस क्वालिटी का गुड्स देना पड़ेगा, कम प्राइस पे गुड्स देना पड़ेगा, बहुत सारा क्या हो गया, पहले मोनोपोली जो चलती थी वो हट गई। अब मोनोपोली क्या, अगर एक सिंगल सेलर था तो वो क्या करेगा, सिर्फ कुछ भी किसी भी रेट पे कोई भी किसी भी तरह का गुड्स मार्केट में सेल करेगा, पर अब वो चीज हट गई। उसके बाद कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि ये सब चीजें एलपीजी आने से क्या हुआ, बाहर की बहुत सारी कंपनीज भी इंडियन के अंदर नए मार्केट प्लेयर्स मार्केट में उतर गए, बहुत सारी कंपनीज आ गई, तो अब वो सब कंपनीज भी आपके साथ कम्पीट कर रही थी यार। उसके बाद मोर डिमांडिंग कस्टमर, सीधी सी बात है कि अब जब भी लोगों को चॉइस मिलेगी, सीधी सी बात है कि आज अगर मेरे को सिर्फ पहले की बात करें तो एक सिंगल जो रिलायंस का जो फोन अगर इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था उससे अलावा कोई कंपनी नहीं थी, तो सबके सामने ऑप्शन क्या है, सिर्फ रिलायंस, तो रिलायंस को ही परचेस करना है। पर जैसे ही मार्केट खुला, नोकिया आ गया, सैमसंग आ गया, आपका माइक्रोमैक्स आ गया, आईफोन आ गया, ये सारे इतने सारे ऑप्शंस खुल गए, तो सीधी सी बात है कि कस्टमर्स भी क्या हो जाएगा, डिमांडिंग हो जाएगा कि अब उसको क्या चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट से हट के बहुत सारे उसके सामने प्रोडक्ट्स आ गए, तो वो डिमांड करेगा कि भाई उसे नए नए फीचर्स दिए जाए, तो उससे क्या हो जाता है कि जब आपके सामने ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं तो आप डिमांडिंग हो जाते हैं। अगर सिंगल आपके सामने प्रोडक्ट होगा तो आपको ऑप्शन ही है कि आपको उसी को चूज करना है, पर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे तो सीधी सी बात है कि आप डिमांडिंग होंगे। तो वही चीज हुई कि एलपीजी आने से क्या हो गया, डिमांडिंग कस्टमर्स हो गए, उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। सीधी सी बात है कि इससे पहले मारुति अगर आपके इंडिया के अंदर एक कार मैन्युफैक्चरर था तो दूसरे होंडा भी आ गया, सुजुकी भी आ गया, बहुत सारे कंपनीज आ गए, तो उन कंपनीज से क्या हुआ कि आपका अब आपके सामने ऑप्शंस आ गए कि आप सिर्फ मारुति की जगह इन दूसरी कारों को भी परचेस कर सकते हो। सीधी सी बात है कि आप डिमांडिंग होंगे। फिर उसके बाद रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सीधी सी बात है कि अब एलपीजी आ गया तो बाहर के प्लेयर्स भी मार्केट में उतर गए हैं, बाहर की कंपनीज आ गई है, तो टेक्नोलॉजी भी क्या हो रही है, टाइम टू टाइम बहुत फास्टली चेंजेस, रैपिडली चेंजेस हो रही है। पहले एक ही टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी इंडिया की जो टेक्नोलॉजी, अब जापान की भी आ गई, ठीक है, फ्रांस की भी आ गई, यूएस की भी आ गई, यूके की भी आ गई, बहुत सारी कंपनीज आ चुकी है, तो सबकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, रैपिडली चेंजेस हो रहा है। यानी उसके बाद नेसेसिटी ऑफ चेंज, सीधी सी बात है कि चेंज की नेसेसिटी होगी, क्योंकि अब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कंपनीज हैं, इतने सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में, तो अब चेंज तो होना ही होना है। देन उसके बाद नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, अब सीधी सी बात है कि ह्यूमन रिसोर्सेज उसको डेवलप करना जरूरी हो गया, क्योंकि अब सारी टेक्नोलॉजी तो मार्केट में आ चुकी है, पर आपके जो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का मतलब सीधा सीधा किसके, मेन और जो लोग काम करने वाले हैं, जो आपके लेबर हैं, जो आपके एम्प्लॉई हैं, उनको आपको क्या करना था, डेवलप करना था कि भाई वो भी काम अच्छे से कर पाए, इंडिया के जो लोग हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लोग काम करें, अच्छे से काम करें और सीखे काम को करना, टेक्नोलॉजी को सीखे, तो क्या हो पाएगा कि आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। देन उसके बाद मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब पहले क्या होता था कि आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेशन चीजें चलती थी, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का मतलब जो जैसा प्रोडक्ट बनेगा वैसा सेल होगा, पर मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि अब जो कस्टमर की डिमांड होगी, मार्केट की जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग काम चलेगा, तो मार्केट ओरिएंटेशन हुआ। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, सीधी सी बात है कि पब्लिक सेक्टर में जो आपका बजटरी जो सपोर्ट था लॉस हो रहा था, उसको अपन ने प्राइवेटाइजेशन का जगह कर दिया, प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया, जो चीजें लॉस में जा रही थी वो सब प्रॉफिट में आ गई। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट और मैटर ऑफ सर्वाइवल, सीधी सी बात है कि अब आपके गुड्स वगैरह सर्वाइव करना है तो आप इजीली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, बाहर की चीजें अंदर आ सकती है, यहाँ की चीजें बाहर जा सकती है, तो ये सारे सब चेंजेस देखने को मिले, जिसकी वजह से जो न्यू इकोनॉमिक एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसके अंदर एलपीजी आया उसकी वजह से इतने सारे सब चेंजेस हुए और एकदम से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने लगी। देन उसके बाद अपन लास्ट आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट टॉपिक आज का अपना मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरमेंट, ये सारा सब जो चेंजेस हुआ
उसका मैनेजर रिस्पॉन्स अपन क्या देख सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सीधा सीधा क्या कि अब जो दूसरे जो कंपनीज थी वो भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने, डाइवर्सिफाई मतलब जैसे एलजी से सपोज अगर टीवी बना रहा था तो उसने वॉशिंग मशीन बनाना भी स्टार्ट कर दिया, फ्रिज बनाना भी स्टार्ट, मतलब अपने आप को उन्होंने प्रोडक्ट्स बहुत सारे रेंज बढ़ा दी। तो सारी कंपनीज ने यही किया, क्योंकि सीधी सी बात थी कि आप सिंगल प्रोडक्ट से मार्केट में नहीं टिक सकते हो, दूसरी कंपनीज अगर दूसरे प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो आपको भी लॉन्च करना पड़ेगा, तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ। फिर उसके बाद ज्वाइंट वेंचर कोलैबोरेशन जो भी बन्ने बात की कि आप टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहे हो, तो अब जैसे इंडिया के अंदर आपको प्रोडक्शन करना है तो जैसे हीरो है तो उसने होंडा के साथ कोलैबोरेशन किया, ज्वाइंट वेंचर हुआ, ठीक है। आपकी मारुति सुजुकी, सुजुकी जो जापानी कंपनी थी, मारुति जो इंडिया कंपनी, दोनों का कोलैबोरेशन हुआ, तो ज्वाइंट वेंचर्स के साथ उन्होंने क्या करना, बिजनेस स्टार्ट करना स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद ब्रांड बिल्डिंग, सीधी सी बात थी कि अब मार्केट के अंदर क्या हो गया था, बहुत सारे प्लेयर आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारे कंपटीटर आ गए, तो अब आपको एक ब्रांड बनाना जरूरी हो गया, अपने आपको एक ब्रांड एस्टेब्लिश करना जरूरी हो गया, कंपनी के सामने एक बड़ा एक जिसको आप क्वेश्चन मार्क बोल सकते हो या कंपनी के सामने एक बड़ा चैलेंज बोल सकते हो। सबसे बड़ा चैलेंज अब यही हो चुका था कि अपने आपको ब्रांड ऐसा ब्रांड बनाए कि लोग उसी को परचेस करें, क्योंकि कंपटीटर बहुत सारे हैं। पहले सिर्फ अगर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति थी तो अब होंडा आ चुका था, सुजुकी आ चुका था, मारुति सुजुकी की अपन बात कर रहे हैं, होंडा आ गया है, ठीक है, आपका ह्यूंडई आ गया है, बहुत सारी कंपनी सब प्लेयर मार्केट में उतर गए। तो आपने आपको आपको अब लोग आपको सिर्फ आपको परचेस करेंगे ऐसा नहीं, दूसरी और कार उनके सामने ऑप्शंस में है, तो अब आपको ऐसा कोई अपने आपको ब्रांड एस्टेब्लिश करना, ऐसे फीचर्स देने पड़ेंगे, अपने आपको ऐसी गुडविल बनानी पड़ेगी कि लोग आप ही की कार को परचेस करें। तो ब्रांड बिल्डिंग एक उसके टाइम पीरियड में सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आया। उसके बाद है यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सीधी सी बात है कि अब पुरानी टेक्नोलॉजी को आप यूज करेंगे तो दूसरे कंप्यूटर आपसे आगे निकल जाएंगे, इसलिए आपको क्या करना है, अब लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी, क्योंकि मार्केट पूरा खुल चुका है, बाहर की टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है फटाफट से आपको भी उसको अडेप्ट करना है, वो चेंजेस करना है अपनी टेक्नोलॉजी में, और उस टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी को यूज करके आपको प्रोटेक्शन करना है। सीधी सी बात है यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया, इम्प्रूव कंपटीशन, तो अब कंपटीशन तो इम्प्रूव होना ही था, क्योंकि पहले जो मोनोपोली थी वो मोनोपोली हट चुकी थी, बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में आ गए, कंप्यूटर मार्केट्स में, तो अब आपको कंपटीशन तो देना पड़ेगा, और आपको अगर कोई दूसरा पर्सन अच्छी क्वालिटी का गुड्स कम रेट में दे रहा है तो अब आपके सामने चैलेंज है कि आप भी उससे बेटर क्वालिटी दे और उससे कम रेट में दे। तो कंपटीशन लेवल में क्या हुआ, इंप्रूवमेंट आ गया, कस्टमर फोकस, पहले जो होता था प्रोडक्ट फोकस हुआ करते थे, जैसा प्रोडक्ट कुछ भी बनाओ मार्केट में भेज दो, कैसा भी प्रोडक्ट बनाया भाई सबको पता है कि अपना ही प्रोडक्ट है, मोनोपोली है, लोगों को खरीदना ही पड़ेगा, हम जैसा बनाएंगे वैसा लोगों को खरीदना पड़ेगा। पर जब ये इकोनॉमिक पॉलिसी है, प्लेयर्स बढ़ गए मार्केट में, कंपटीटर बढ़ गए, तो अब अलग अलग चीजें वो क्या करने पड़े, कस्टमर को सर्व करने लगे, तो कस्टमर फोकस हो गया कि अब जो कस्टमर की डिमांड होगी, कस्टमर की जो इच्छा होगी, वैसी चीज बनाई जाए और वैसी चीज उसको सर्व की जाए। तो ये चीजें हुई, ये छह पॉइंट आपने देखे अभी कि मैनेजरियल रिस्पॉन्स हुआ, चेंजेस हुआ बिजनेस एनवायरमेंट में, जैसे चेंजेस हुआ तो ये सारी चीजें देखने को मिली। तो अपन देख सकते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने एक बहुत बड़ा चेंजेस इंडिया की इकोनॉमी के अंदर किया, उस पॉलिसी के वजह से आज इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी में काउंट होती है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हुई उससे बिजनेस बढ़ा, इंडस्ट्री बढ़ी। आज के टाइम पीरियड में अपन देख रहे हैं टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में आप 100% FDI कर दिया गया है, बहुत सारी चीजें आ चुकी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बाकी कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, टेक्नोलॉजी को शेयर कर रही है, मेक इन इंडिया अभी चल रहा है। तो ये सारी सब चीजें अपन बात करते हैं, वो सब के सब किसकी पॉइंट है, बिजनेस एनवायरमेंट के। तो आज इसी पॉइंट, इन सब पॉइंट के बाद अपन आज का ये चैप्टर अपन फिनिश करते हैं यहीं पे, और कोई भी अगर आपकी क्वेरीज होती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी ये जो अपना चैप्टर है पूरा फिनिश हो चुका है, इस पे बेसिस केस स्टडीज आपको सोल्व करनी रहेगी, वो आप सोल्व करेंगे आसानी से। थैंक यू सो मच।